विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। प्रभु आपकी कृपा हो तो ज्वालामुखी भी शीतल हो जाए, खाई भी पट जाए, सागर अपने आप रास्ता बना दे। मैं जानती हूं मेरे गिरधर गोपाल, राणा जी के रूप में आप ही हो जो मेरी मदद कर रहे हो। मैंने तो अपने मन से आप ही को स्वामी माना है, तो मेरी पहली रसोई का भोग खाने का अधिकार भी तो आप ही का हुआ ना। भाई साहब, भाभी साहब की पहली रसोई के भोजन पर पहला अधिकार तो आपका ही है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आप सब खड़े क्यों हैं? बैठिए। वाह, आनंद आ जाएगा आज भाभी साहब की पहली रसोई के भोजन चखने का सौभाग्य पाकर। किसे पता सौभाग्य है या दुर्भाग्य, जो मांसाहारी भोजन के आदि है उनकी जिह्वा को तो आज बस घास फूस का ही स्वाद चखना होगा। भोजन की सुगंध, प्रतीक्षा के बाद भोजन का स्वाद और भी बढ़ जाता है। एक एक करके सारे पकवान चखाऊंगी आपको, फिर बताना कि मेरी पहली रसोई के पकवानों का स्वाद कैसा लगा आपको। बिंदिया, जरा देखो तो भाभी साहब कहाँ रह गई? मैं तो कब से देख कर आई हूँ, वो तो वही है अपने गिरधर गोपाल के सामने। और पकवान, ये सब बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, आपको सब चख कर बताना होगा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। खम्मा घड़ी बहुरानी सा, माफ कीजिएगा, वहाँ सब भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर अभी तक मेरे गिरधर गोपाल ने ये नहीं बताया कि उन्हें कौन सा पकवान सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगा। रानी साहब, प्रभु आपको कोई ना कोई संदेश अवश्य देंगे, परंतु आप अभी चलिए। क्या वर्षा जब ऋषि सुखानी, भूख ही मर जाए तो स्वादिष्ट भोजन का भी कोई लाभ नहीं। भाई साहब, लगता है भाभी साहब सच में भूल गई कि हम सब यहां खाने के लिए बैठे। माफ करना, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं भाभी साहब, इंतजार का फल तो मीठा ही होता है और ये तो प्रसाद है। किंतु हमें नहीं लगता अब कोई अधिक प्रतीक्षा कर सकेगा। देवमल साहब, इतना स्वादिष्ट भोजन भाभी साहब, आपके हाथों में जरूर कोई जादू है। इसके स्वाद का श्रेय मुझे नहीं, मेरे प्रभु को जाता है। ये उनका प्रसाद जो है। लगता है भाभी साहब भाई साहब की राय जानने में लजा रही हैं। कोई बात नहीं भाभी साहब, हम पूछ लेते हैं। भाई साहब बताइए, भाभी साहब को कौन सा पकवान सबसे अधिक स्वादिष्ट है? इतनी निष्ठा
इतने प्रेम से मीराबाई ने जो पकवान बनाए हैं, उस प्रेम का स्वाद तो हर पकवान में दिखाई दे रहा है। मैं तो क्या, स्वयं गिरधर गोपाल भी आ जाए वो भी नहीं बता पाएंगे कि कौन सा पकवान अच्छा है। रानी साहब, प्रभु आपको कोई ना कोई संदेश अवश्य देंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है भाई साहब, हर पकवान एक से बढ़कर एक है। कौन सा सबसे अधिक स्वादिष्ट है ये बताना तो बड़ी टेढ़ी खीर है। मैंने तो कहा ही था कि इंतजार का फल मीठा होता है। इतनी तारीफ तो पहले कभी नहीं सुनी महल में। ऐसा क्या पका दिया इन रानी सा ने? अभी भोजन समाप्त कहाँ हुआ है, दो पकवान तो अभी बचे हैं, दाल और चूरमा। दाल चूरमा, तो यहाँ है दाल बाटी, मैं अभी चख लेती हूँ। आइए आइए रानी, मैं दाल ले लेती हूँ, तुम चूरमा ले लो। ठीक है। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम, गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम, चरणारविंद महम भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम, चरणारविंद महम भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम, घनश्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम, किंजलिक वसन किशोर मूर्ति मूल गुण करुणा करम, सिरके की पच विलोल कुंडल अरुण वन रूह लोचनम, गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम, गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। कुटिल सुंदर तिलक प्रूराक मायंग समाननम, अपहरण तुलसी दास त्रास विहार वृंदा काननम, कच कुटिल सुंदर तिलक प्रूराक मायंग समाननम, अपहरण तुलसी दास त्रास विहार वृंदा काननम, गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम, गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। भाभी साहब को क्या हो गया भाई साहब, ऐसे क्यों चली गई? कुछ नहीं उदा बहन, सब ठीक है। मीरा भक्त है, भक्ति में बह जाना उसके लिए स्वाभाविक है। नहीं भाई साहब, जो भक्ति उन्हें समाज और परिवार के कर्तव्य से दूर कर दे वो बल नहीं दुर्बलता है। अपने मंत्रियों और सलाहकारों के मन के भाव पढ़ पा रहे हैं ना भाई साहब, ये अच्छी बात है कि आप मीरा भाई साहब का सहयोग करते हैं, किंतु भाई साहब ये सहयोग ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके अपने ही परिवार की आन पर कलंक पोते। ग्रहण लगा दे कि आपके अपने ही परिवार की आन पर कलंक पोते। ग्रहण लगा दे। रानी साहब, आप कहें तो मैं सभी को दाल परोस दूं। Thank you.
बिंदिया, लगता है तुम्हारे लिए कुछ बचने वाला नहीं। अपने जीवन में इससे स्वादिष्ट दाल चूरमा मैंने आज तक नहीं खाया। आनंद आ गया भाभी साहब। सबने तो चक्कर देख लिया, अब मैं भी तो देखूं कि ऐसा क्या स्वाद है रानी सा के भोजन में। भोजन में भक्ति का नमक मिला हो तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। जिस भोजन की सब सराहना कर रहे थे, दरअसल वो तो प्रभु को चढ़ाया हुआ भोग था, जो अब प्रसाद बन चुका था। और प्रसाद कर्मों के अनुसार जिसके भाग्य में होता है उसे ही मिलता है। जिसके मन में बुराई हो, जो बुरे कर्मों की ओर तत्पर रहता है, उसे वो प्रसाद कैसे मिल सकता है? ये प्रभु का प्रसाद है, आप सब खाइएगा। मैं तो खड़ी रह गई। मुझे किसी ने न भोजन दिया और न प्रसाद, तो अब मैं उदा भाई साहब को सब बताकर ऐसा प्रसाद दूंगी नई रानी साहब को कि राणा जी भी अपना हाथ खींच लें। धन्यवाद, भोजन बहुत स्वादिष्ट था। आपका भी धन्यवाद मेरा इतना साथ देने के लिए। धन्यवाद कैसा, ये तो मेरा दायित्व है। बस मैं चाहता हूँ एक दायित्व आप भी निभाए। जब भजन गाते हुए साधुओं की टोली निकली थी तो अब जो हुआ, आप अपनी भक्ति भाव में बह गई थी, ये मैं समझता हूं। किंतु दूसरे नहीं समझेंगे, आपका बावलापन समझेंगे इसे। मुझे गलत मत समझिए, मैं आपके भक्ति भाव में सदा आपके साथ रहूंगा। किंतु आपको भी इसका ध्यान रखना होगा, आप जो भी करे उसे परिवार के मान को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए आपको अपने आप को कुछ हद तक सांसारिक मर्यादाओं की सीमा में बांध कर रखना होगा। अब आप ही बताइए प्रभु, अपार भक्ति को भला मैं सीमा में कैसे बांध लूं? सांसारिक मर्यादाओं से परे है आपकी भक्ति, अब आप भी अपनी मीरा की पीड़ा समझिए और ले जाइए मुझे यहाँ से, और ले जाइए मुझे यहाँ से। आज सच बताकर ही रहूंगी मैं उदा भाईसा को। उदा भाईसा, नई रानी सा ने भोजन बहुत अच्छा पकाया। इस परिवार की, राणा जी सा की और आपकी लाज रख ली। पर फिर मैंने जो देखा वो क्या था, ये इस बिंदिया को नहीं समझ में आया। पहेलियां क्यों बुझा रही हो बिंदिया, साफ साफ कहो क्या देखा तुमने? मीरा तो सिर्फ आपकी है प्रभु। उदा बहन सा, भाई सा, हम जाने के लिए तैयार हैं।
उदा बहन सा, आप कुछ भूल तो नहीं रही? शुभ कार्य के लिए जा रहा हो, मेरा तिलक नहीं करेगी? भाई सा, आपकी ही बहन हूँ मैं, कुछ नहीं भूलती। ये देखिए, तिलक की थाल बिल्कुल तैयार है, बस तिलक लगाने वाली ही कहीं नजर नहीं आ रही। क्यों, आप है ना, और कौन करेगा मेरा तिलक? क्यों भाई साहब, हम क्यों लगाएंगे तिलक आपको? अब भाभी साहब आ गई हैं, ये उनका दायित्व बनता है, तिलक तो वही करेंगी आपको। भाई साहब उचित कहती, हमने बताया तो था भाभी साहब को कि आप संधि वार्ता के लिए जाने वाले हैं, पर लगता है शायद वो भूल गई। क्या बात है उदा भाई साहब, आप इतनी नाराज क्यों लग रही हैं? हमने आपको बताया था ना, भाई साहब संधि वार्ता के लिए जाने वाले हैं, वो चले भी गए और आप तिलक करना भूल गई। आपकी भक्ति के खिलाफ नहीं हूं मैं, पर जो एक राज परिवार के लिए, हमारे आपके परिवार के लिए जरूरी है, उसे कैसे भूल सकती हैं आप? संसार में हमें सभी रिश्ते नातों को महत्व देना चाहिए, उन्हें निभाना चाहिए, परंतु आप तो केवल अपने गिरधर गोपाल से ही नाता निभा रही हैं भाभी साहब। एक पत्नी, एक रानी होने के दायित्व तो आप भूलती ही जा रही हैं। भाई साहब आपके मन को समझते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो थोड़े बहुत समझ तो आपको भी रखनी चाहिए ना भाभी साहब। हम मानते हैं कि एक पत्नी होने के दायित्व समझने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, किंतु एक रानी होने के दायित्व, वो तो आप भली भांति जानती हैं, कम से कम उन्हें तो निभा ही सकती है ना। मैं प्रार्थना करूंगी अपने गिरधर गोपाल से कि राणा जी जिस कार्य से गए हैं उसमें वो सफलता पा सके।
यदि उनकी रानी बनकर अपने हाथों से आप उनका तिलक करके भेजती तो मेरे भाई साहब और विश्वास से भर कर जाते। अब आशा करती हूं कि आपके गिरधर गोपाल मेरे भाई साहब को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अगर मेरे भाई साहब को कुछ भी हुआ ना भाभी साहब, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकूंगी। भक्ति और सांसारिक कर्तव्यों में संतुलन बनाना असंभव ना सही, कठिन अवश्य है। आपको वहाँ सोने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही अपनी रक्षा के लिए प्रभु की बांसुरी लाने की आवश्यकता है। आपकी भक्ति और आपके प्रभु के प्रेम के बीच मैं नहीं आऊँगा। मेरे गिरधर से मेरा नाता केवल भक्ति का नहीं, प्रेम का भी है। जो अपने प्रभु से भक्ति करते हैं वो उनसे प्रेम भी करते हैं। लेकिन मैं उनकी पत्नी के रूप में प्रेम करती हूँ।